प्रियंका तो भोजपुरी इंडस्ट्री की एक सुपरस्टार सिंगर हुई है। जी हाँ, अंतरा के गाए हुए गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं, ये बात और है कि उन पर अश्लीलता के आरोप गाहे बगाहे लगते रहते हैं। अब ऐसे में अंतरा का एक इंटरव्यू मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहाँ पर काजल राघवानी के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है कि काजल राघवानी के फैंस तो भड़के ही भड़के हैं और अंतरा सिंह प्रियंका के जो फैंस हैं उनकी वाहवाही कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है पूरा माजरा। हाल ही में अंतरा सिंह प्रियंका ने एक YouTube चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें रिपोर्टर ने अंतरा सिंह प्रियंका से ये पूछा कि आप अश्लील गाने क्यों गाती हैं, आप पर अश्लीलता का आरोप लगता है। तब अंतरा सिंह प्रियंका ने कहा कि क्या अश्लीलता अकेले सिंगर के मत्थे है, यानी कि सिंगर अश्लील गाने गा देता है उसी की मत्थे मढ़ा जाना चाहिए। अश्लीलता तो भोजपुरी फिल्मों में भी है कि जो हीरोइने ढोड़ी यानी कि नाभि हीरो से टच कराती है, और तो और मैं तो कहती हूँ होटवा से होटवा सटाला कुछ हीरोइने तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऑन स्क्रीन होटवा से होटवा हीरोज के साथ सटाती हैं। यहाँ पर अंतरा सिंह प्रियंका ने काजल राघवानी का नाम लेते हुए उन्हें सीधे सीधे आरोप लगाया। वैसे आपको बता दे, लिप लॉक करना भोजपुरी में कोई नई बात नहीं है, चाहे वो आम्रपाली हो, अक्षरा हो या फिर हो काजल राघवानी। भोजपुरी की तकरीबन हर हीरोइन ने लिप लॉक से उन्हें कोई परहेज नहीं है, अंग प्रदर्शन से उन्हें कोई परहेज नहीं है और ना ही नाभि को टच करवाने से हीरो से परहेज है। लेकिन ये बात भी सही है, अंतरा ने बहुत बड़ी और सही बात रखी है कि अगर हीरोइनें कर सकती हैं, हीरोज कर सकते हैं, तब उन पर अश्लीलता के आरोप नहीं लगते हैं, जो कि सभी फिल्में साथ बैठकर देखते हैं। फिल्में ऐसा होता है कि घर में सभी लोग साथ बैठ के देखते हैं, लेकिन हर बार आरोप सिंगर के मत्थे ही क्यों मढ़ा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता जो है वो सिंगर फैलाते हैं। वैसे आपको बता दें कि लिप सिंक से लेकर शॉर्ट कपड़े पहनना और तो और अपने नाभि को टच करवाना, ये सारी हरकतें बॉलीवुड साउथ की इंडस्ट्री हर जगह होती है, इसलिए शायद ये सारी चीज़ें अश्लीलता जैसे जो शब्द हैं वो हमेशा सिंगर के मत्थे भोजपुरी में इसलिए मढ़े जाते हैं क्योंकि भोजपुरी के जो गाने होते हैं वो डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं, फिर वो चाहे होटवा से होटवा हो, नाभि टच करवाना हो या फिर घाघरा चोली से लेकर, वो डायरेक्ट उस चीज़ों पे इंडिकेट करते हैं। इस वजह से हो सकता है कि सिंगर बदनाम है भोजपुरी इंडस्ट्री में। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।